जी सर, इसके खून का सैंपल ले लो और लाश ठिकाने लगा दो। वो गलत थे। रकून शहर तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने सोचा कि उन्होंने इन्फेक्शन खत्म कर दिया है। कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया को उस वायरस ने सिर्फ इंसानी जिंदगी, कुछ ही हफ्तों में टी वायरस इन्फेक्शन ने पूरे अमेरिका को निकल लिया था। बन गए कुछ और सभी महाद्वीप सिर्फ बंजर जमीन बनकर रह गए। जिंदगी को खत्म नहीं किया, झीलें और नदियां सूख गई, जंगल रेगिस्तान बन गए। आहिस्ता आहिस्ता पृथ्वी खत्म होने लगी। बदलते रहते, हम बड़े शहरों से बचते थे। अगर किसी ठिकाने पर जाते, जो लोग बचे थे वो लगातार अपना ठिकाना खोजते थे, पर फिर वो बढ़ते गए बढ़ते गए। वो कभी ना खाने पर ज्यादा देर रहते तो वो अधमरे जीव हमारे पीछे पड़ जाते। पहले वो हमारे जिंदा रहने का एक ही रास्ता था। बंजारों की तरह लगातार खत्म होने वाले अधमरे जीवों की सेना थी, और जो बचे थे हमारे मैं एलकेबी रेडियो स्टेशन से बोल रही हूँ। यहाँ 7 लोग तुरंत मदद की।
मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। कब आ चालाक समझती है, अभी पता चलेगा। चले तो मजा आएगा। ये ले हथकड़ी की चाबी, ये तमाशा थोड़ी देर चले तो मजा आएगा। Oh!
आज तक कभी सच बोला है तुमने? कार्लोस, क्लेयर बोल रही हूँ, तुम्हारे पास सिगरेट है? झूठ बोल रहा हूँ। क्या सेवा करूँ? क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? एक भी नहीं। एलजे, क्लेयर रेडफील्ड, मैं लेकिन वो भी नहीं। बेवकूफ मत बनाओ, सुन रहे हो? सॉरी। कोई भी नशीली चीज? माफ कीजिएगा, लेकिन क्या यार? सच दोस्तों, ये वाकई में दुनिया का अंत। सॉरी जाने मन, मुझे सिगरेट पिए हुए एक अरसा हो गया है। का भंडार 50% कम हुआ है। जी जी मरे। कोई और जानकारी? पेरिस केंद्र में खाने के भंडार 28% कम हो गए हैं, 17 मरे। इनके मरने की संख्या बढ़ रही है। लंदन केंद्र में साहिबा डॉक्टर आइसैक्स, तो विज्ञान विभाग मरे, मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। साहिबा, उन अधमरे जीवों के बारे में विज्ञान विभाग का क्या कहना? विभाग को आने का वक्त मिल गया। चेयरमैन वेस्कर, मैं काफी बिजी था, आज चीज की जरूरत नहीं है। वैसे उन्हें मांस की भूख है, पर उसकी जरूरत नहीं है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन्हें यूं ही जीने के लिए किसी खास चीज यूं ही रह सकते हैं। तो आपका कहना है कि हम इसी तरह तहखानों में फंसे रहे? जरूरत नहीं है। मेरी शोध के मुताबिक वो कई सालों तक यूं ही इस्तेमाल करके मैं एक ऐसी दवाई बनाने वाला हूं जो न सिर्फ टी वायरस। प्रोजेक्ट एलिस की क्या खबर है? उसके खून का जिससे ये जीव एक बार फिर से अब टी वायरस इन्फेक्शन के असर को खत्म करेगी, बल्कि उसे उलट कर चाहत पर काबू रख सकेंगे। क्या वाकई आप काबू कर पाएंगे? अपनी अक्ल, अपनी याददाश्त और अपने मांस खाने की चाहत पर हम उन्हें ट्रेन करेंगे, हम उनके सारे बुनियादी एहसास खत्म कर देंगे। वो सब तो जानवर है, जानवर पर वफादार मजदूरों की तरह हमारा काम करेंगे, खत्म कर देंगे, फिर वो इंसान नहीं रहेंगे। और हमें यही तहखाने में सड़ना होगा। असली प्रोजेक्ट एलिस के बगैर शोध का काम मुश्किल और खुली हवा में सांस लें। इतना वक्त गुजरने के बाद भी आपकी शोध वही की वही है और हमें ये मेहनत का काम है और नतीजे बताना बहुत मुश्किल का काम मुश्किल है। मैंने मजबूरन क्लोन जेनेटिक मॉडल्स का इस्तेमाल किया है। आप बाकी शोध का काम छोड़कर इसी पर ध्यान। प्रोजेक्ट एलिस और अधमरे जीवों को पालतू बनाना ही अहम काम है। जल्दबाजी करना ठीक नहीं, फिर हमें यह काम किसी और को सौंपना होगा। एक हफ्ते में मुझे रिपोर्ट चाहिए। ऐसे नाजुक मामले में जल्दबाजी कर अपने शोध जारी रखो डॉक्टर, जब तक कि होगा कोई ऐसा जो हमें ठोस यकीन दिला सके। ये शोध आपकी है। ये मीटिंग खत्म हुई। Thank you.
वक्त हम डेजर्ट ट्रेल मोटल में हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं क्लियर रेडफील्ड के सुरक्षित हूँ। अगर हमसे मिले कोई अगर जिंदा है और मुसीबत में है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं क्लेयर रेडफील्ड के सुरक्षित टीम से बोल रहा हूं। हमसे मिले कोई अगर जिंदा है और मुसीबत में है तो रहा हूं। इस वक्त हम डेजर्ट ट्रेल मोटल में हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो आकर हमसे मिले। अगर कोई जिंदा है तो जल्दी हमसे संपर्क करें। मैं है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करते रहो माइकी। आप सुन रहे हैं, आप जिंदा या मुसीबत में है तो हमसे संपर्क करें। रास्ता साफ है, क्या हम अंदर जाएं? यहां तो सब कुछ शांत है। ऐसा ही तो हमेशा होता है। आप सुन रहे हैं? आप चलो देखते हैं। हाँ चलो उतर जाएं। आगे बढ़ो। चलो एक कमरा बुक करते हैं जिसमें मुलायम बिस्तर हो और उसके बाद चलो एक कमरा और उसके बाद एक गर्मा गर्म फिल्म देखते हैं। सब ठीक है वहां? सब कुछ ठीक है?
कहाँ लगी है तुम्हें? कुछ खास नहीं है, देखना चाहो तो देख लो। दिखाओ कहाँ लगी। चलो यहाँ अपने जरूरत की चीजें देखो। हाँ, दिख रहा है मुझे, ध्यान कहीं और था क्या? उठाना पड़ा ना। इससे भी बदतर देखा है मैंने। हो सकता है। देखो खाना हथियार जो भी मिले बटोर लो। काफी जोखिम उठाना पड़ा। शुरू हो गया, मैं चला यहाँ से। हो सकता है। तुम हमेशा मेरे साथ नरमी से पेश आती हो। साथ खाना खाएं? हाँ मैं आ जाऊंगा। अरे बेटे इधर आओ। तो क्या ख्याल है आज रात को साथ खाना खाएं? ये जानता है ये क्या है? कैमरा चलाओ, इसे वहीं खड़े रहना। बाप रे, यकीन नहीं। वहीं खड़े रहना, यकीन नहीं होता। इसकी याददाश्त और सूझबूझ अब भी कायम है। कमाल हो गया, दवाई काम कर गई। इसकी आपने इसे पालतू बना दिया, आप कामयाब हुए। मुबारक। डॉक्टर, ऐसा मत करिए डॉक्टर, प्लीज। तुम्हारे लिए पालक है। शुक्रिया। ये लो भुट्टा और मटर, छोटू के लिए थोड़े फल भी लेती जाओ। मजाक कर रहा था, भुट्टा और मटर है। तुम्हारे लिए बिल्ली का खाना, बढ़िया मशरूम वाला। बकवास। ये भी भुट्टा और मटर है। क्या हो रहा है? ये तुम्हारे लिए है, सूप है, बढ़िया मशरूम है जो बहुत जल्द दफन होने वाली है। ये आखिरी है। कमाल, तुम्हारी तकदीर में सूप है। तुम्हें कैसे पता चलता है? ऊपर वाले की देन है। कुछ नहीं है बच्चों, सब खत्म हो गया। फल है, आखिरी है, शायद इसमें फलों का जूस है। शुक्रिया। फल चाहिए? हाँ ये लो। पेट्रोल पंप देख लिया? हाँ, वो सूखा पड़ा है। यहाँ का पेट्रोल पंप देख लिया? की गाड़ी चलती हो तो जहां कहो ले जाऊंगा। हम कहां तक जा सकेंगे? देखो क्लेयर, अगर बिना पेट्रोल की गाड़ी। कैसी हो? समझ गई। कौन है वहां? ओलिवेरा। नाकाबंदी हो गई? हो गई समझो। हाँ बोलो। सिगरेट ने तुम्हें बूढ़ा कर दिया है, जल्दी अपना काम खत्म करो। मुझे मैं कार्लोस। मुझे मशीनें शुरू करवानी है। कैमरे शुरू हो गए और कंप्यूटर के संपर्क में है। आखिरी खंभा गाड़ दिया, सभी कैमरे। भुने मटर? सब कुछ ठीक चल रहा है। तूफान आने वाला है, चलो सामान बांधो और अंदर चलो। हल्का सलाह, आज तो मजा आ जाएगा।
चलो अपनी बस में जाओ, आग बुझा दो जल्दी। चलो आओ बच्चों अंदर चले। चलो जल्दी जल्दी करो। इस वक्त हम डेजर्ट ट्रेल मोटल में हैं। लैटिट्यूड 35, लॉन्गिट्यूड। ये क्लियर रेडफील्ड की टीम। ये क्लियर रेडफील्ड की टीम है। इस वक्त हम डेजर्ट ट्रेल मोटल में लॉन्गिट्यूड 114। हमसे संपर्क करें। करें। मोटल में है। लैटिट्यूड 35, लॉन्गिट्यूड 114। हमसे संपर्क करें। नंबर को शुरू करो। क्या बात है? मेरे सेंसर्स ने किसी आत्मिक क्रिया का सिग्नल पकड़ा है। डॉक्टर आइज़ैक्स, नहीं, ये सिग्नल किसी क्लोन का नहीं है, ये बाहर से आया है, पकड़ा है दोनों अल्फा और बीटा वेव पर। नंबर 87 से? मेरे सेंसर गलत नहीं हो सकते, अब से 15 मिनट पहले मैंने ये सिग्नल पकड़ा। ये कतई मुमकिन नहीं। मेरे सेंसर ने ये सिग्नल पकड़ा है रेगिस्तान के एक इलाके में। Thank you.
सबक निकल गया। कार्लोस। हाँ देखा मैंने। सब गाड़ी में रहो, खिड़कियाँ बंद करो, कोई भी ट्रक नहीं रहो। क्या हो रहा है वहाँ? कोई भी शोर शराबा नहीं चाहिए। शीशे ऊपर चढ़ा लो। स्टार्ट करो, निकलो यहां से। हाँ वही ठीक रहेगा। हथियार तैयार रखो। गाड़ी बंद है। कुछ करो, जल्दी निकलो यहां से। डॉक्टर आइजैक्स, मेरे अल्फा बीटा वेव पर मैंने एक और सिग्नल पकड़ा है। उसे ढूंढो, पता लगाओ कि कहाँ है। सिग्नल पकड़ा है। 45% संभावना है कि ये प्रोजेक्ट एलिस है।
अगर ये वही है तो इसने गजब की तरक्की की है। ताकतें पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। जब से वो इस केंद्र से निकली तब से अब तक उसकी ताकत बिना इजाजत के यहाँ पर अधमरे जीवों को लाने का मतलब है मेरे आदमियों की जान को खतरे में। तुम पिछले 24 घंटों में सतह पर गए हो, वो भी आइज़ैक्स। मेरी शोध की गति अब तेज हो गई। जान को खतरे में डालना, अचानक तुम्हें इतने सारे जीवों की जरूरत क्यों है आइज़ैक्स? फिक्र न करें, सब महफूज है। तेज हो गई है। तुम तो इन जीवों को पालतू बनाने वाले थे। कभी कभी गुस्सा भी काम आ जाता है। नंबर 87 अपने इम्तिहान के आखिरी मोड पर है। मगर इन जीवों का क्या करोगे? डॉक्टर आइज़ैक्स। बहुत अच्छे, दिखाओ कहाँ है। बहादुर है वो, मतलब की बात जानते हैं। अपनी हद से बाहर मत जाओ। क्या चेयरमैन वेस्ट को इस बारे में जानते हैं? वो मतलब कि सोच समझकर फैसला कीजिएगा। मेरी शोध दुनिया की शक्ल बदल देगी। किसका साथ देना है आपको? कैसी हो? ठीक हूँ। कल रात तुम्हें पहना दिया था तुम्हारी हिफाजत के लिए। ये तुम्हारा है? कल रात तुम्हें पहना के मार्ट। मैं उन्हें वही। शुक्रिया। तुम्हारा नाम? कुछ साल पहले। तो और कोई नाम है तुम्हारा? मैं उन्हें वही मिली थी, क्लेयर और बाकी साथियों को कुछ साल पहले। मेरे सारे अपने मर चुके थे तो है, पर वो पसंद नहीं। ये नया नाम अच्छा लगा मुझे। कोई कुछ कहना चाहता है? हमारी मदद के लिए शुक्रिया। एलिस, ये क्लेयर रेडफील्ड है, इसी ने ये बचाव दल बनाया। कुछ काम है। क्लेयर, मुझे जाना होगा। पिछले 6 महीनों में इसके आधे आदमी मारे गए। बहुत जल्द हमें एलिस, क्या हो गया था तुम्हें? तुम डेट्रॉइट से क्यों? बहुत जल्द हमें से कई और नहीं बचेंगे। क्या मतलब? वो कैसे मुझे और कोई रास्ता नहीं था। इस्तेमाल हो रहा था, मेरी वजह से सब मारे जाते। तो इसलिए गायब कैसे मुझे ढूंढ लेते? ऐसे हालातों में मैं तुम लोगों के पास कैसे रहती? उपग्रह से संपर्क खत्म किए ताकि वो मुझे ढूंढे। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के केंद्र में गई और कंप्यूटर के कोड पता लगाए। फिर तुम अकेली क्यों घूमती रही? वो मुझे ढूंढ ना सके। और दुनिया तबाह होने के बाद फिर वापस क्यों आई हो? सबसे दूर रहूंगी तो सब लोग महफूज रहेंगे। कितना बजे? ये क्या? बार? वक्त क्या होगा? किसी से मिलने जाना है। शायद
बजकर 14 मिनट हुए हैं। क्यों, किसी से मिलने जाना है? सब लोग तुम्हारी मदद करेंगे। तुमसे बात करनी, मुझे गलत मत समझना, हम वाकई में शुक्रगुजार हैं। लोग तुम्हारी मदद के लिए शुक्रगुजार हैं। पर मैं कब तक रह सकती हूँ? सब तुम्हारे कारनामों से हैरान हैं और डरे हुए हैं। इसमें उनकी क्या गलती है? वो सब तुम्हारे कारनामे हैं। तुम अकेली नहीं हो, मौत मेरे आसपास मंडराती रहती है। है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हें यकीन है कि ये वही है? बासठ परसेंट है। मैंने सभी उपग्रहों की दिशा बदली है। हम उसे पता नहीं चलने देंगे कि हम उस पर नजर। अगर ये प्रोजेक्ट एलिस है तो ये सालों से उपग्रह से बचती रही है। नहीं, पहले साबित करो कि वही असली एलिस है। कि हम उस पर नजर रखे हुए हैं। मेरी टीम तैयार हो जाएगी 1 घंटे में। वो अच्छी तरह से पहचानती है। और देखिए, असली प्रोजेक्ट एलिस मेरी शोध के लिए 100% वही। वो अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरह से, उसका जेनेटिक ढांचा अहम है। अगर हमने वहां पहुंचने में देर की तो उसके लिए बहुत जरूरी है, तभी हम इन जीवों को पालतू बना पाएंगे। उसका खून, जब तक हम अगली मीटिंग में इस पर चर्चा नहीं करते तो हम उसे दोबारा खोदेंगे और मैं ये जोखिम नहीं लूंगा। ये फैसला करने का हक तुम्हें नहीं है, ये मेरा हुक्म है। तुम इस मामले में कुछ नहीं करोगे। और डॉक्टर, जिंदगी आम तौर पर चल रही है। अलास्का, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्लियर, इन ट्रांसमिशन से साफ जाहिर है कि वहां जिंदगी काफी लंबा। और वहां जाकर क्या पता क्या मिले। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। नहीं कर सकते। तुम जानते हो वो सफर कितना लंबा है? मैंने पुरानी है, कितनी बार हम इस ट्रांसमिशन के हिसाब से चले हैं। सबूत नहीं है कि वहां कोई जिंदा होगा। पर इन ट्रांसमिशन से जाहिर है, ये 6 महीने पुरानी के मुताबिक वहां इन्फेक्शन नहीं है और पहुंच भी नहीं सकती। कितनी बार ऐसी जगहों को वीरान देखा है हमने। इस ट्रांसमिशन सौंपी है मुझे, मैं इन्हें झूठे ख्वाब नहीं दिखा पाऊंगी। वही एक जगह महफूज है। इन सब ने अपनी जिंदगी सौंपी। 6 महीने पहले हम 50 थे, फिर 40 रह गए और अब 30। शायद इन्हें उसी की जरूरत है। एक बार देखो, इन सब बैठे हैं। वहां जाने से सब में उम्मीद जगेगी और अब 30 से भी कम है। सब उम्मीद खो बैठे। हमें इतना बड़ा है कि मैं अकेले करना ठीक नहीं समझती। हमें एक फैसला करना है और ये फैसला इतना अलास्का में, और हो सकता है कि शायद ही कहीं कुछ लोग जिंदा बचे हैं। कहाँ? अलास्का, पर हम यकीन से नहीं कह सकते। हमें तय करना है कि ये इन्फेक्शन अभी तक वहां नहीं पहुंचा हो, या फिर अलास्का जाए। तो कौन कौन? हम जैसे हैं वैसे ही रहें, या फिर अलास्का जाए? अलास्का कौन कौन तैयार है? मेरे पास तो आधा ही टैंक भरा हुआ है, बस इतना ही है। हमारा खाना लगभग खत्म है। ज्यादा से ज्यादा 100 मील चलेगा। ठीक है, अगर अलास्का पहुंचना है तो तुम्हारा? अरे मेरे पास तो उतना भी नहीं है। मेरा ज्यादा ये कुछ जगह है जो सबसे नजदीक और महफूज है, वो पहुंचना है तो सामान का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। हाँ, ये फिर तो हमें ये तो यहाँ जा सकते हैं। नहीं, वो खाली है, मैं देख चुकी हूँ। वही एक जगह है जहाँ हमें पेट्रोल और सामान मिल सकता है, लेकिन वहाँ जाना बहुत खतरनाक होगा। यहाँ जा सकते हैं? लास वेगास।
कर चुके हैं और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। हम लोगों के लिए वहाँ पर वो आत्मा रे जीव हम पर टूट पड़ेंगे। 6 महीनों में हम इस छोटे शहर का सामान। ये ठीक कह रही है, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। पहले साबित करो कि वही असली एलिस है। 100% नहीं करते तुम इस मामले में कुछ नहीं करोगे। और डॉक्टर 100% वही, जब तक हम अगली मीटिंग में इस पर चर्चा नहीं करते। ये मेरा हुक्म है। कमेटी चाहती है कि तुरंत एक्शन ले। सभी कमांड में रहेंगे, ये मेरा हुक्म है। सभी गाड़ियां और अफसर डॉक्टर आइजैक्स के। ये डिब्बे वाले खाने का नतीजा है, पता नहीं तुमसे। ए, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम सब लोग कैसे खा लेते हो? हमें आदत है। हो क्या है शहर को? 5 साल हो गए, यहाँ कोई नहीं बचा। शहर खाली है, ना तुम्हारे लोग हैं ना इंसान। शहर के सब खत्म कर दिया ना इंसान। उन पक्षियों ने ही शायद ये सारे शहर तबाह किए। आगे चलकर एक कैसीनो आएगा। यहाँ तो कोई पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा। कहाँ पर होगा? सब कैसे पता? मैं उस कैसीनो में एक दिन कंगाल हो गया था। क्यों, तुम बहुत बड़े? वहीं पर, उसी के पास पेट्रोल पंप है। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्यों, तुम बहुत बड़े रईसजादे थे क्या? क्या करें? हटाओ इसे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तभी
नजर रखो ऊपर से। चेस चारों ओर नजर। मैं ही मिला। आईफिल टावर पर चढ़ो, वो भी ये बंदूक लेकर। काश कि वो दिन लौट आए। कुछ साल पहले चढ़ता तो नाम कमाता। दिन लौट आए। चलो काम खत्म करें ताकि यहां से निकल सके। माइक के औजार लाओ। कार्लोस पीछे हटो। Yeah!
जाए तो वहाँ जल्दी पहुँच जाना उसको। ये वाकई में लाजवाब चीज है। वो आपको मिल जाएगा। उपग्रह सही जगह। उसका खून ठंडा पड़ने से पहले मुझे उसका सैंपल चाहिए। वो आपको मिल जाएगा। सही जगह पर है ना? हाँ सर। उसे फिर बंद कर दो। शुरू होने वाला है। उसे किसी भी तरह रोको। लगता है वो उपग्रह, लगता है उसमें कुछ खराबी आ गई। संपर्क जुड़ने में 15 सेकंड लगे। एक जुड़ रहा है। 3, 2 बंद करो उसे। वो आखिर जा कहां रही है? वो आ रही है। करो तुमने गोली क्यों नहीं चलाई?
कैसा है वो? नजर बंद है, जैसा कि आपने कहा था काफी शांत। कितनी दवाई इस्तेमाल की? इसीलिए इंजेक्शन भी ज्यादा लेना होगा। कितनी दवाई इस्तेमाल की है? उसके खून ने जीवों की ताकत बढ़ा दी है। इससे तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हें अंदाजा नहीं है। और कोई चारा नहीं, तुम्हें अंदाजा है। तुम बेकाबू हो गए हो। अच्छा, हमारी कमेटी के नियम के मुताबिक चेयरमैन वेस्कर ने तुम्हें हुक्म न मानने पर गैर जिम्मेदार पाया है। ये किस्सा यहीं खत्म। हमारी कमेटी निकालोगे और कोई चारा नहीं है। मैं तुम्हें इस ओहदे से निकालता हूं। तुम निकलो। आगे देखिए सर। लाश को सतह पर फेंक दो और मुझे प्रोग्राम एलिस की सारी जानकारी दो। जानती हो कि बहुत देर हो चुकी है। तुम जी सकोगे। और मेरे पास एक आईडिया है। वैसे भी तुम्हें अंदर तो जाना ही पड़ेगा। Yeah.
सिगरेट छुपाता था कमीना है। इन सब का ख्याल रखना।
मैं जानकारी देने वाली मशीन। जानती हूँ तुम कौन हो। तुम्हारा जरूरी था। हाँ, इंसानों को मारो और खुद जियो। मेरी बहन का कंप्यूटर सिर्फ वही कर रहा था जो मनुष्य जाति को बचाने के लिए करना जरूरी। उन्हें उस जीव ने काटा था जिस पर उन्होंने नई दवाई आजमाई थी। तो यहाँ क्या हुआ? डॉक्टर आइजैक्स यहाँ जख्मी हालत में वापस आए। उसकी वजह से बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया। वो दवाई उन्होंने तुम्हारे खून से बनाई थी। उसकी वजह से डॉक्टर आइजैक्स समझ चुके थे कि उससे ये तबाही हमेशा के लिए खत्म हो। मेरे खून से? तुम्हारा खून इन्फेक्शन से मेल खा। सबका इलाज है। हाँ बिल्कुल, हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तुम्हारा मतलब है मेरा वो सारे उपकरण है जो तुम्हें उस बीमारी की दवाई बनाने के लिए चाहिए। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तुम्हारा खून साफ है और इस केंद्र में वो हो सकता है। सही कहा, लेकिन सिर्फ एक यानी इस दवाई का अंत। छोटी सी परेशानी है, ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। मैंने उसे निचली मंजिल में रोक रखा है, पर मैं उसे ज्यादा देर। ठीक है, चलो। एलिस, ख्याल। Thank you.
जा सकती है। कितनी देर हो गई संपर्क टूटे? 17 घंटे। अमरीकी केंद्र से संपर्क करने की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। सारी जानकारी इस केंद्र में तब्दील होगी और शोध का काम जारी रहेगा। मेरी मान ले कि वो नहीं रहे, पर हमारा प्लान वैसा ही रहेगा। सारी तुम्हें इतना इंतजार करना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाली। मेरी देखरेख में 1 महीने में नतीजा आपके सामने होगा। Thank you.